तो जी हमें आया था ये कमेंट कि आपको पिज्ज़ा डो बनानी है विदाउट ईस्ट, तो पिज्ज़ा डो विदाउट ईस्ट भी बन जाती है, पर मेरा कहना यही है कि आप लोग ईस्ट ऐड कर लो। क्या ही हो जाएगा अगर आप लोग ईस्ट ऐड कर लोगे? ना ऐड करने से थोड़ा सा आपको कमी बेशी लग सकती है, पर ऐड करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। बहुत अच्छी तरह डो राइज होता है और जो हमारा पिज्ज़ा डो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये तो वही बात हो गई कि हम आलू का समोसा बना रहे हैं विदाउट आलू, पर ऐसा नहीं है। मेरी पिछली जितनी भी रीसेंट पिज्जे की वीडियोस हैं उस सब की डो में ईस्ट यूज हुआ है और उस सब की डो की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर भी की हुई है। ये फर्स्ट टाइम है जो हमने विदाउट ईस्ट बनाई है। सारे इंग्रेडिएंट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है विद मेजरमेंट्स। तो अगर आपने अपनी क्वांटिटी ज्यादा करनी है, मैदे की क्वांटिटी अगर आपने बढ़ानी है, तो आपने बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ानी ही है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में दी जाती है मैदे की क्वांटिटी आप लोग देखते नहीं, बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपने उतनी डालनी होती है, तो फिर वो आपका सही नहीं बनता। खैर, जिस डो में हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड करते हैं उसको हम 2 घंटे तक राइज होने के लिए रखते हैं, पर ये जो विदाउट ईस्ट है इसको ज़्यादा देर नहीं रखते हैं। मतलब जब आपने पिज्ज़ा बनाना हो तो उससे 20 मिनट पहले आप डो तैयार कर लें अपना बस। इसके बाद आ जाते हैं हम चिकन की मैरिनेशन में। चिकन की मैरिनेशन में हमने सॉसेस ऐड की हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, योगर्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है और ये हमारी चिकन की मैरिनेशन बनके तैयार है। इसके बाद आपने बस अपने पिज्जे को असेंबल करना है, बेक करना है और इंजॉय करना है। तो हमने सोचा है कि आज के बाद हमने अपनी वीडियोस में हर लास्ट में एक अच्छी बात सीखेंगे। अब वो अच्छी बात हमारे रिलीजन से रिलेटेड होगी, इस्लाम से रिलेटेड। वैसे भी ज़िलहज का महीना है, ये 9 दिन हमारे लिए इतने खास हैं कि अगर हम इन 9 दिनों में रोजे रखें तो हमारे कितने सालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। खैर, आज पहला रोजा गुजर गया। अगर जो लोग पूरे 9 दिन के रोजे नहीं रखते वो सिर्फ 9 ज़िलहज मतलब ईद से एक दिन पहले का रोजा रख ले तो उनको उतना ही सवाब होगा। इन दिनों में आपने ज्यादा से ज्यादा सदका करना है। अगर आप माली सदका या जानी सदका नहीं दे सकते तो सदका जारिया जरूर करें। सदका जारिया ये है कि अगर आपने किसी को नेकी की बात बताई और जितने लोगों ने उस बात पे अमल की तो वो उसका नेकी आपको मिलती रहती है, मतलब वो जारी रहती है। पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छी बातें शेयर करें ताकि आप लोगों को भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले और आखिरत में भी कोई फायदा दे। इसलिए आप लोग अपने रोजमर्रा की रूटीन में जो भी कोई अच्छा काम करते हो कमेंट करना। क्या पता आप लोग के कमेंट करने से लोगों को भी उसकी तौफीक आए और आपको भी सवाब मिलता रहे। इंशाल्लाह 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 आज से हमने ये जो काम शुरू किया है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये रोज चलेगा। तो मेरे जो डेली के व्यूअर्स है वो रोज एक नई बात, नई और अच्छी बात सोच के रखें, क्योंकि जिन लोगों के मुझे रोज मेरी वीडियोस पे कमेंट आते हैं उनका तो मुझे पता है, तो उनके रोज नई बात का कमेंट लाजमी आना चाहिए। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो तो आते जाते रहते हैं, तो आप लोग भी कोई ना कोई बात कमेंट कर देना। और ये हमारा पिज्जा बनके तैयार है। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।